उनकी जानिब से ये 500 रुपए आए हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं हौसला अफजाई के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दिल की चाटों ने हमें चैन से सोने ना दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया, इसी का शिकवा नहीं क्यों तूने किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया, इसका गम है कि बहुत देर में आउटपुट बढ़ाना बर्बाद किया। ये गजल कुछ आशकाना और कुछ नसीहत दोनों बातें पेश करूंगा, आशकाना भी है और कुछ शेर नसीहत के भी, इंशाल्लाह दोनों मिजाज है, पेश कर रहा हूं। समात फरमाए, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया लेकिन फिर भी वो दर्द बल के मेरे खून में मचलता है, करूं जो आह तो लब से धुआं निकलता है, कहना है कि वो दर्द बन के मेरे खून में मचलता है, करूं जो आह तो लब से धुआं निकलता है, मोहब्बतों के भी रिश्ते अजीब हैं यारो, ये ऐसा घर है जो बरसात में भी जलता है, ये ऐसा घर है जो बरसात में भी जलता है, ये ऐसा घर है जो बरसात में भी जलता है। खुद अपनी खामियों को बताता नहीं कोई, मतलब बगैर हाथ मिलाता नहीं कोई, आज का ये दौर है, कहना है कि खुद अपनी खामियों को बताता नहीं कोई, मतलब बगैर हाथ मिलाता नहीं कोई, कहते तो है सभी के मोहब्बत है आपसे लेकिन किसी का साथ निभाता नहीं कोई, लेकिन किसी का निभाता नहीं कोई, कहते तो है सभी के मोहब्बत है आपसे लेकिन किसी का साथ निभाता नहीं कोई, दोस्तों मिले ना फूल तो मिले ना फूल तो कांटों से जख्म खाना है, कहना है कि मिले ना फूल तो कांटों से जख्म खाना है, उसी गली में मुझे बार बार जाना है, मैं अपने खून का इल्जाम दूं तो किसको दूं, लिहाज ये है कि कातिल से दोस्ताना है, लिहाज ये है कि कातिल से दोस्ताना, मैं अपने खून का इल्जाम दूं तो किसको दूं, लिहाज ये है कि कातिल से दोस्ताना है, लेकिन शीश महलों में रहने वाले लोग झोपड़ी का वकार क्या जाने, अरे जिनको रोने का भी सलीका नहीं वो गरीबों का प्यार क्या जाने, लेकिन तुम मेरे बार
मुअज्जिज़ सामाई, बहुत सारे लोग परदेश में रहते हैं, इस गजल के बहुत मायने हैं। जब हमसे कोई बिछड़ जाता है, कोई अपना बिछड़ जाता है, किसी के बाप परदेश रहते हैं, किसी का शौहर रहता है, किसी का बेटा रहता है, किसी का भाई रहता है, तो किसी का दोस्त परदेश रहता है। समा फरमाए, तुम मेरे बाद, तुम मेरे बाद, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद गुजार हूं। हौसला अफजाई के लिए बहुत सारा नजराना जनाब एहसान भाई का, अशफाक भाई का, और एक भाई और आए, कौशल भाई, माशाल्लाह शुक्रिया, बहुत सारा नजराना उनकी जानिब से। और ये जनाब रहीसुद्दीन खान साहब कमेटी अध्यक्ष, ये बहुत सारा नजराना उनकी जानिब से, मैं शुक्रगुजार हूं हौसला अफजाई के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इधर से चचा की जानिब से हौसला अफजाई तमाम सामाइन का, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। कैसे मन समाप्त रमा, इधर भी तमाम सामान से तवज्जो चाहूंगा। एक जरा सी बात में वो दिल का सौदा कर गया, एक जरा सी बात में वो दिल का सौदा कर गया, जिंदगी भर के लिए एक दर्द पैदा कर गया, जिंदगी भर के लिए दर्द पैदा कर गया। कहना है कि एक जरा सी बात में वो दिल का सौदा कर गया, जिंदगी भर के लिए एक दर्द पैदा कर गया, जो किया करता था मेरे हाल पे नजरे करम, साथ मेरा छोड़कर मुझसे किनारा कर गया, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। एक दोस्त कहता है, किया प्यार हमने जिसे जिंदगी में, किया प्यार हमने जिसे जिंदगी में, उसी ने दगा दी हमें दोस्ती में, उसी ने दगा दी हमें दोस्ती में। कहना है कि किया प्यार हमने जिसे जिंदगी में, उसी ने दगा दी हमें दोस्ती में, निगाहें चुरा करके ओ जाने वाले, मुझे मार डाला तेरी बेरुखी ने, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, लेकिन तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते,
इसीलिए तो तुम्हें हम नजर नहीं आते, खुशी की आंख में आंसू की भी जगह रखना, क्योंकि बुरे जमाने कभी पूछ कर नहीं आते। तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। अजनबी शहर है चाहत को तरस जाओगे। शुक्रिया अदा करूं, आज पहली बार समकपुर में हाजिरी हो रही है बाबा हजरत सैयद शेर अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में, ये हमारी खुश नसीबी है। जैसी मैंने तारीफ सुनी, इंशाल्लाह मैं बढ़कर देख रहा हूं। अल्लाह और हौसला अता फरमाए, अल्लाह और दौलत से नवाजे, अल्लाह हम सबको तमाम बलाओं से महफूज रखे और सब भाइयों को आपस में इत्तफाक से मिलकर रहने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम नजराना अशफाक भाई, एहसान भाई और कौशल भाई और भी तमाम हाजरीन ने बढ़ाया, मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हौसला अफजाई के लिए। लेकिन शेर समाप्त फरमाए, एक परदेसी कह रहा है, भाई इधर भी तवज्जो चाहूंगा, परदेसी कह रहा है, तमाम हाजरीन से तवज्जो, मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जिस रोज चला जाऊंगा। एक दोस्त कह रहा है मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा। क्यों? मिल भी जाते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं, मिल भी जाते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं। इधर भाइयों की जानिब से बहुत सारा नजराना आया, मैं तमाम नौजवान दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मिल भी जाते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं, मिल भी जाते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं। आज मौसम की तरह दोस्त बदल जाते हैं, आज मौसम की तरह दोस्त बदल जाते हैं। कहना है कि मिल भी जाते हैं तो कतरा के निकल जाते हैं, आज मौसम की तरह दोस्त बदल जाते हैं। उम्र भर जिनकी वफाओं पे भरोसा कीजिए, वक्त पड़ने पे वही लोग बदल जाते हैं। मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा। क्यों? दर्द दिल की दवा नहीं मिलती, चाहने से वफा नहीं मिलती। बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। कहना है कि दर्द दिल की दवा नहीं मिलती, चाहने से वफा नहीं मिलती। अरे बेगुनाह लोग मारे जाते हैं लेकिन कातिलों को सजा नहीं मिलती। किसे अपना बनाए कोई इस काबिल नहीं मिलता, यहाँ पत्थर सभी मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। वो मेरा हाल क्यों पूछे, वो मुझ पर मेहरबान क्यों हो, क्योंकि जिसको हुस्न मिल जाता है उसको दिल नहीं मिलता। लेकिन एक परदेसी कहता है कि घर के हालात ये कहते हैं कि परदेश को जा, घर के हालात ये कहते हैं कि परदेश को जा,
जाके परदेश में घर याद बहुत आता है, जाके परदेश में घर याद बहुत आता है। हटो कांधे से आंसू पोछ डालो, हटो हटो कांधे से आंसू पोछ डालो, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है, तुम्हें मैं छोड़ के हर किस ना जाता, गरीबी मुझको लेकर जा रही है। तुम्हें मैं छोड़ के हर किस ना जाता, गरीबी मुझको लेकर जा रही है। लेकिन दोस्तों फिर कहता है, एक तो परदेश जा रहा है लेकिन दूसरा क्या कहता है, चांद होगा ना ये तारों का बसेरा होगा, चांद होगा ना ये तारों का बसेरा होगा, हम ना होके तो तेरे घर में अंधेरा होगा, हम ना होके तो तेरे घर में अंधेरा होगा, चांद होगा ना ये तारों का बसेरा होगा, हम ना होंगे तो तेरे घर में अंधेरा होगा, जाके परदेश में तूने ये ना सोचा होगा, मैं जिसे छोड़ के आया हूँ वो तन्हा होगा। लेकिन कहां परदेश मैंने अपनी मर्जी से बसाया है, कहां परदेश मैंने अपनी मर्जी से बसाया है, मेरे बच्चों के फाकों ने वतन मुझसे छुड़ाया है, मुझे घर की जरूरत या जरूरत घर को है मेरी। बहुत दिन बाद ये एहसास, बहुत दिन बाद इस एहसास ने मुझको जगाया है। उसने देखा तो मुझे अच्छा लगा, उसने देखा तो मुझे अच्छा लगा, गैर था वो शख्स पर अपना लगा, बच्चे जब परदेश में याद आ गए, बच्चे बच्चे जब परदेश में याद आ गए तो हर निवाला जहर के जैसा लगा। मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, मैं वतन छोड़ के, मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, उम्र भर तुम मेरी, उम्र भर तुम मेरी, उम्र भर तुम मेरी, उम्र भर तुम मेरी सूरत को तरस जाओगे। तमाम नौजवान दोस्तों ने, बच्चों ने हौसला बढ़ाया, बहुत बहुत शुक्रिया। हौसला अफजाई के लिए तवज्जो। मैं वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, उम्र भर तुम मेरी सूरत को तरस जाओगे, बेशक। लेकिन एक शेर और परदेश के ऊपर पेश कर रहा हूँ, जो पहले रिकॉर्ड में नहीं है, बाद में मैंने जब रिकॉर्ड किया तो पेश कर रहा हूँ कुछ नए शेर। समाप्त फरमाए, शौक से तर के वतन करना मगर ध्यान रहे, शौक से करना रहे, शौक से तर के वतन करना मगर ध्यान रहे, शौक से तर के वतन करना मगर ध्यान रहे, शौक से तर के वतन करना मगर ध्यान रहे, तुझे करके वतन करना मगर ध्यान रहे। जनाब शेर पेश कर रहा हूँ, नजराना तो आप नहीं रहे लेकिन मैं चार मिसरे पेश कर रहा हूँ। खुशी के वक्त चेहरे पर मलाला आया तो क्या होगा, खुशी के वक्त चेहरे पर मलाला आया तो क्या होगा, मुझे परदेश में
हाँ मुझे परदेश में तेरा ख्याल आया तो क्या होगा, मुझे परदेश में तेरा ख्याल आया तो क्या होगा, मुझे परदेश में तेरा ख्याल आया तो क्या होगा। हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम सामाइन का, लेकिन कहना है कि खुशी के वक्त चेहरे पर मलाल आया तो क्या होगा, मुझे परदेश में तेरा ख्याल आया तो क्या होगा। मोहब्बत में कसम खाई है हमने साथ रहने की, मोहब्बत में बिछड़ने का सवाल आया तो क्या होगा। मैं वतन छोड़ के शौक से तर के वतन करना मगर ध्यान रहे, शौक से तर के वतन करना मगर ध्यान रहे, शौक से तर के वतन करना मगर ध्यान रहे, शौक से तर के वतन करना मगर ध्यान रहे। दिल जो टूटा तो दिल जो टूटा तो मोहब्बत को तरस जाओगे, टूटा तो मेरी बरसों की मोहब्बत को ना तुम ठुकराओ, 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 क्यों? तुमको अपना बना के देख लिया, तुमको अपना बना के देख लिया, दर्द दिल में बसा के देख लिया, दर्द दिल में बसा के देख लिया, तुम हमारे किसी तरह न हुए, तुम हमारे किसी तरह न हुए, तुम हमारे किसी तरह न हुए, हर तरह आजमा के देख लिया, हर तरह आजमा के देख लिया, हर तरह आजमा के देख लिया, मेरा कोई नहीं जमाने में, मेरा कोई नहीं जमाने में, मेरा कोई नहीं जमाने में, सबको अपना बना के देख लिया, 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 मेरा कोई नहीं जमाने में, सबको अपना बना के देख लिया। दोस्तों, वो लोग ही क्यों दिल में उतर जाते हैं अक्सर, जिन लोगों से किस्मत का सितारा नहीं मिलता। मेरी बरसों की मोहब्बत को न तुम ठुकराओ, मेरी बरसों की मोहब्बत को न तुम ठुकराओ, मेरी बरसों की मोहब्बत को न तुम ठुकराओ, सजा भी खूब मिली तुमसे दिल लगाने की, खटक रहे हैं निगाहों में हम जमाने की, गमों की गोद में पलकर जमा हुए हैं हम, हमें तो गम में भी आदत है मुस्कुराने की, मेरी बरसों की समा तुर मैं तवज्जो चाहूंगा तमाम गजल के शायकीन हजरात से, मेरी बरसों की मोहब्बत को ना तुम ठुकराओ, मुझसे पिछड़े तो मुझसे पिछड़े
मुझसे बिछड़े तो मुरफ्फत को तरस जाओगी शेर पढ़ने जा रहा हूं। अभी तक तो मैंने आशिकाना मिजाज पेश किया, लेकिन हमारे यहां बुजुर्ग भी बैठे हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, खवातीन भी हैं। एक शेर नसीहत का पेश कर रहा हूं। दुनिया में मां बाप से बढ़कर कोई दौलत नहीं। एक बार मां बाप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, जब मां बाप दुनिया से चले जाते हैं तो दोबारा कभी वापस नहीं आते। हर दौलत दोबारा मिल सकती है, मां बाप नहीं मिल सकते। और वो खुश नसीब है जिनके माँ बाप जिंदा हैं। आज भी वक्त है अपने माँ बाप की खिदमत करें। और जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए हैं, दुनिया से गुजर गए, अल्लाह उनके माँ बाप की मगफरत फरमाए। जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए, अल्लाह उनकी मगफरत अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई हमारे हिंदुस्तान के फनकार तबला वादक भाई हमारे सौर को उन्होंने दिए अपने माँ बाप की मोहब्बत में। इनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए दोस्तों। लेकिन जिनके माँ बाप जिंदा हैं, आज भी मौका है खिदमत करें। अगर माँ बाप राजी हैं तो आप देश में रहें, विदेश रहें, कहीं चले जाएं, हर जगह कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। माँ बाप अगर नाराज है तो कहीं चले जाएं, कहीं कामयाबी नहीं मिलेगी। माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो। दोस्तों क्यों अपने माँ बाप की खिदमत में लगा रहे, वरना ये जमाना तुझे इज्जत नहीं देने वाला। आज ही धोले गुनाहों से भरे दामन को, कल खुदा तौबा की मोहलत नहीं देने वाला। माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो। दोस्तों हाथ उठाकर बताएं, कितने लोग अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं? हाथ उठाकर बताएं। सभी करते हैं और करना भी चाहिए। एक परदेसी कहता है कि मेरे अल्लाह मुझे जेरो जबर मत करना, मेरा खैरात के टुकड़ों पे गुजर मत करना, जाने परदेश में कब उसकी दुआ लग जाए, मेरी हालत की मेरी माँ को खबर मत करना। यो तो शेर मैं रात भर पढ़ता रहूंगा तो खत्म नहीं होंगे। माँ बाप का ऐसा जिक्र है कि अल्लाह के और अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, उसके बाद में अपने माँ बाप से मोहब्बत करनी चाहिए। समाज फरमाए, हाथ मलते हैं यहाँ दुनिया की दौलत वाले, हाथ मलते हैं यहाँ दुनिया की दौलत वाले, जिनके माँ बाप हैं जिंदा वो हैं किस्मत वाले, जिनके माँ बाप हैं जिंदा वो हैं किस्मत वाले, हो अगर साहिब औलाद तो सोचो समझो, हो अगर साहिब औलाद तो सोचो समझो, बाप को माँ को मोहब्बत की नजर से देखो, बाप को माँ को मोहब्बत की नजर से देखो, बड़ी उम्मीदों से अरमानों से पाला तुझको, खुद रहे भूखे दिया मुंह का निवाला तुझको, खुद रहे भूखे दिया मुंह का निवाला तुझको, रहे भूखे दिया मुंह का निवाला तुझको। कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर जरा थोड़ा सुकून पाती है माँ। ममता कहते हैं किसको और ये क्या चीज है, ये तो उन बच्चों से पूछो जिनकी मर जाती है माँ। दोस्तों बड़ी उम्मीदों से अरमानों से पाला तुझको, खुद रहे भूखे दिया मुंह का निवाला तुझको, लेकिन माल दौलत के लिए दुनिया से रिश्ता जोड़ा, सिर्फ बीबी के लिए बाप को माँ को छोड़ा। आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ मशवरे बतौर, बुजुर्गों के बनाए साहिबा को तोड़ मत देना, नई खुशियों के पीछे गुलसिता को छोड़ मत देना,
कहीं ऐसा ना हो हाथों से जन्नत ही चली जाए। बहू और सास के झगड़े में माँ को छोड़ मत दे।